हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ सोया चिली की रेसिपी, जो कि बच्चों की फेवरेट है और बड़ों की भी फेवरेट। आपने जरूर ट्राई की होगी, बट एक बार आप मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है आपकी सोया चिली। चलिए शुरू करते हैं सोया चिली बनाना। तो सबसे पहले सोया चिली बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और थोड़ा नमक डाल के उसमें हम सोयाबीन 200 ग्राम मैंने सोया चंक ले लिया है, न्यूट्रेला हम डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। थोड़ा ये बॉईल होके ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका पानी निकाल के इसको हम छन्नी में छान के इसको पानी इसका निचोड़ लेना है आपको हाथ से। ये हो गया है बॉईल। और इसके अलावा कैप्सिकम और प्याज हमें चाहिए इस तरीके से ट्राइंगल शेप में, ऐसे हम जैसे हमें चिली पनीर में हमें काटना होता है वैसे ही इसमें भी काटना है हमें। शिमला मिर्च और प्याज को काट लेंगे और सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाएंगे न्यूट्रेला में सोया चंक में, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा डालेंगे और नमक थोड़ा सा डाल देंगे। नमक डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे और कश्मीरी मिर्च भी आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा। कॉर्नफ्लावर हमें 4 चम्मच डालना है और इसको उसके बाद अच्छे से हमें मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देना है। 5-10 मिनट्स इनफ हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हम एक पैन रखेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा डालेंगे और ये जो हमारा सोयाबीन का जो मिक्सचर है, सोया चंक का मसाले से मिक्सचर है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। पैन में, नॉनस्टिक पैन में करने से थोड़ा ऑयल कम लगता है और बस इसको हमें गोल्डन ब्राउन हमें थोड़ा सा करना है, थोड़ी देर में हो जाता है, बस इसको अच्छे से आप गोल्डन ब्राउन कर दीजिए। इसको कलर चेंज देखिए हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से करना है आपको। इसके बाद अब हम कढ़ाई रखेंगे, एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून आप रिफाइंड ऑयल डालेंगे और लहसुन काट के डाल देंगे बारीक। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च हम सबसे पहले डालेंगे, एक बड़ी शिमला मिर्च काट के लिए मैंने, और नमक थोड़ा सा डाल देंगे ताकि शिमला मिर्च हमारी अच्छे से थोड़ा सा गल जाएगी। इसको शिमला मिर्च को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, जब तक ये ब्राउन कलर नहीं होगा तब तक इसका टेस्ट, नहीं तो कैप्सिकम का टेस्ट ओवरराइड करता है। सबसे पहले इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए 1 चम्मच और प्याज अब हम डाल देंगे साथ में। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है, इवन मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें स्टार्टिंग में करना है इसको फ्राई, और ढक्कन लगा के थोड़ी देर इसको कुक भी होने देना है। 2 हरी मिर्च मैं डाल दे रही हूँ और ढक्कन लगा के थोड़ी देर इसको कुक होने दीजिए। आपको खुद भी समझ में आएगा जब कैप्सिकम थोड़ा सा गलने लगेगी और ब्राउन उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। इसके बाद हम ढक्कन हटा के इसको बिना ढक्कन लगाए थोड़ी देर इसको फ्राई होने देंगे। इस तरीके से देखिए तो पता चल जाएगा आपको, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, इसके अलावा हम इसमें, मेरा सोया सॉस ख़त्म हो गया, थोड़ा विनेगर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके केचप हमें इसमें डालना है, 2 से 4 चम्मच जितना भी आपको टेस्ट ठीक लगता है, मैं 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली। काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम कॉर्नफ्लावर को 2 चम्मच पानी में मिक्स करके उसका मैं पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगी ग्रेवी, और 1-2 कटोरी पानी मैं थोड़ा डाल दूँगी इसमें, क्योंकि न्यूट्रेला जो है वो सब पानी, मॉइस्चर सब सोख लेता है, तो इसलिए थोड़ा पानी इस पर डाल के इसकी ग्रेवी हमें बना लेनी है। अभी हम इसमें फ्राइड जो हमारी सोयाबीन है वो हम डाल देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए प्लीज़, और टेस्ट भी एकदम डिफरेंट लगेगा आपको। बस थोड़ी देर कुक होने देना, मैं थोड़ा नमक और डाल रही हूँ इसमें, थोड़ी देर ढक्कन लगा के बस इसको अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब ये, तभी हमारा ये रेडी टू सर्व हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट होने वाला है, ये गैस बंद कर देंगे और ये रेडी टू सर्व है। आपको प्लीज़ ये रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए
और प्लीज़ मुझे अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिए ताकि मैं और आपको रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ।